पंचकुला में नगर निगम के चुनावों का बिगुल बज चुका है। इस जो चुनाव है मेयर पद और पार्षद पद के चुनावों को लेकर बहुत ही पंचकुला में घमासान मचा हुआ है। माहौल इस वक्त बहुत गर्म है। मौसम के साथ साथ जो सूरज निकला हुआ है, जो दिन की गर्मी दे रहा है, रात में सर्दी भी देता जा रहा है, उसी तरह पंचकुला में भी नगर निगम के चुनावों का माहौल है वो इस वक्त वैसा ही हुआ पड़ा है। आइए पंचकुला के सेक्टर 19 में खड़े हैं, यहाँ की जनता से जानेंगे कि किसे वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, चाहे वो मेयर पद के हों चाहे वो पार्षद पद के लिए हों। इस वक्त हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं, पहले इनका नाम जानेंगे। सर सूरज, सर आपके हिसाब से कौन बेहतर प्रतिनिधि मेयर पद के लिए आपके कौन रहेगा? जो पूर्व मेयर रह चुके हैं बेहतर है कि उनको जानकारी है कि क्या चीज़ें होनी हैं आगे। पूर्व मेयर कौन रहा है? मेयर आलूवालिया जी। तो उनको इस चीज़ को, इन चीज़ों की जानकारी है कि नगर निगम में पहले उनके क्या पेंडिंग काम रह चुके हैं, तो हो सकता है उन चीज़ों को वो आगामी समय में बढ़ा सके। नए रूप से जो भी बंदा आएगा वो पहले कुछ समय तक उन चीज़ों की जाँच करेगा जी। उसके बाद फिर, क्योंकि वो समय बिताएगा, और जो हमारे पूर्व मेयर हैं वो उन्हीं कामों पे नए सिरे से काम कर सकते हैं। तो अभी मेयर की बात हुई, आपने कांग्रेस की तरफ से बताया, तो अगर आपके इलाके में पार्षद के लिए बताया जाए, क्योंकि मेन जो ग्राउंड वर्क होता है लोगों के घर डोर टू डोर की जो समस्याएं होती हैं वो पार्षद उसको सॉल्व करता है, चाहे नगर निगम की ही आम समस्याएं होती हैं, तो आपके हिसाब से कौन ठीक रहेगा पार्षद पद के लिए? तो देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे पूर्व पार्षद रह चुके हैं हमारे रविकांत कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जहाँ तक है तो ये भी जानकारी मिली, क्योंकि हमने ये भी देखा 6 दिन तक 6 रात अभयपुर की सड़कों को बनवाने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हुडा प्लाट पे जहाँ कचरा जमा था वहाँ पे भी स्वयं खुद कचरे पे बैठ के धरना प्रदर्शन किया। तो जो ऐसे पार्षद हैं जो लोगों के ज़मीनी हालात में वो समझ रहे हैं, तो और वो हैं भी इसी इलाके के, सबसे बड़ी बात तो उनको पता है कि हाँ 19 सेक्टर में क्या हो रहा है, किन चीज़ों पे होना चाहिए, काम होना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, किन चीज़ों पे कब होना चाहिए। तो बेहतर है कि हाँ जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं उनको भी जानकारी है कि क्या मेरी पेंडेंसी है। सर आपका नाम? सतनाम सैनी। सर आपके हिसाब से वार्ड नंबर 8 में किसका पलड़ा इस वक्त भारी है? यहाँ पे हमारे जो है ना बीजेपी से हरिंदर मलिक जी खड़े हैं, ज़्यादा तो उसी का ही है यहाँ पे ना, क्योंकि वो यहाँ से पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने पंचकुले का डिस्ट्रिक्ट का सारा कार्यभार संभाला हुआ था, क्योंकि उसका होल्ड यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वही जीतेगा यहाँ से। तो अभी आप पार्षद पद के लिए बात हो गई कि पार्षद में आपके हिसाब से मलिक जी हैं, तो अगर हम बात करें पूरे पंचकुला की, तो मेयर पद के लिए आपको कौन सा दावेदार सबसे बढ़िया? मेयर के लिए दावेदार कुलभूषण जी है, कुलभूषण गोयल। वो शुरू से ही मतलब मनसा देवी के यहाँ बड़े, उनकी फैमिली शुरू से जुड़ी हुई है, उन्होंने बड़े काम कराए वहाँ पे और उनका अच्छा होल्ड है यहाँ पंचकुला में। हमारा तो ये उधर से मेयर कुलभूषण गोयल जी, और हमारा ये पंच का इसका मलिक नरेंद्र नाम है उसका, मलिक साहब ही बोलते हैं, मलिक साहब नरेंद्र मलिक। हाँ, हमारे को ये भरोसा है उसका कि वो ये काम करवाएगा। इतने लोग यहाँ आए ना, हमने 20 साल हो गया यहाँ रहती ने, लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं खर्चा है। आप पार्क तो आप देख ही सकते हो, पार्क के हालत तो देख ही सकते हो कैसी हालत है पार्क की, लेकिन इतना गंद मतता है ना, लोग अपना घर ही बनाते हैं बस, किसी का कुछ नहीं लगाते। इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, ये सेवा करेंगे और ज़रूर वो करेंगे। बड़ी समस्या है जो आपके ध्यान में? अरे हमारे तो बहुत समस्या है, ये 19 सेक्टर तो बिल्कुल बिछड़ा हुआ है, बारिश आती है तो पानी में डूब जाता है, रात बिरात समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि जो मकान बने हैं ना उनकी सेफ्टी नहीं है, क्योंकि हमारे बगल में पंजाब है, ये चाहते तो उसको गेट लगाते हर गली के अंदर, आने जाने की समस्या होती, चौकीदार रखते, ऐसा कुछ नहीं करा। यहाँ पानी इतना गंदा आता है ना कि भी उनको कह के लड़ लड़ के, हम जिस दिन लड़े जाते हैं उस दिन वो 2 दिन के लिए क्लियर हो जाता है, तो ये इसका बहुत बुरा हाल है सेक्टर का। तो आपके आने के बाद ये जो आपने समस्याएं गिनाई हैं, तो कितना समय लगेगा आपको इन समस्याओं को दूर करने? जैसे ही मैं बनूंगा, पहले अपने जो मैंने बातें दिमाग में मेरे चल रही हैं 10-15 साल से, पहले हमने जाते थे करवाने के लिए, हमारा काम करा दो, तो वो कहते थे आप कौन हो,
मैं वो चाहता हूँ मुझे कलम की ताकत मिले, मैं नहीं जाऊँगा, वो खुद यहाँ पे आएंगे काम करने, ये मेरा वादा है सेक्टर वालों से। यहाँ बिजली पानी जई एक्सीन यहाँ बिठाऊँगा और कहूँगा हमारे सेक्टर के घर घर के सब निवारण करो। तो हमें यही है कि सेक्टर वाले मुझे पावर देंगे, मैं उनकी सारा काम, मुझे एक पैसे का भी किसी का लालच। जैसा कि सर ने बताया कि किसी भी तरह की कोई भी पैसा और जो निस्वार्थ काम भावना है इनकी, उसको लेकर आज ये चुनाव में उतरे हैं और डोर टू डोर जाके पब्लिक के हर आदमी के, इस अपने वार्ड के हर एक व्यक्ति के पास जाकर वोट का अनुरोध कर रहे हैं और जो उनकी समस्याएं उनको सॉल्व करने के लिए आगे आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।